ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ इस तरह। यार ये क्या चीज़ है भाई, ओ माशाल्लाह। ओ भाई हेलो, इसके बाद आप पिज्जा खाना छोड़ दो, मैं सही बता रहा हूँ। ये देखो कैसे पी लेते हैं। पहले तो आप मुझसे गले मिलो यार, बहुत मजेदार चीज है यार ये खा के दोबारा एक हफ्ते बाद इधर आना यार, ये एंड है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज साकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में, और कराची के इलाके बहादराबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बहुत कमाल किस्म का डोसा मिलता है, वो डोसा जो है इंडियन स्टाइल डोसा। यहाँ पे इस तरह का फूड मैंने कभी नहीं खाया जिंदगी में। लाहौर में भी दो तीन जगहों पर मिलता है, लेकिन भाई जिस तरह का ये बन रहा है यहाँ पे ऑथेंटिक स्टाइल में मिलता है, क्योंकि जो इसके बारे में मैंने सुना ये है कि जो इसको स्टार्ट करने वाले थे वो दुबई से सीख के आए थे, और दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलती है ऑथेंटिकेशन के साथ फूड की खास तौर पर। तो वहाँ से सीख के यहाँ पे आए थे, उन्होंने कार से स्टार्ट किया था। उनके पास थोड़ा जाके उनसे गपशप करते हैं कि कब से उन्होंने स्टार्ट किया, वो पॉइंट कैसा है, वो कैसा चल रहा है, और उनका डोसा टेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम जाएंगे हरमैन शरफैन, यहाँ बहादराबाद में मौजूद है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है इस टाइम पे बहादराबाद के अंदर, पूरे कराची के अंदर। खासतौर पर उनकी बटर चीज़ हांडी है कोई, उसने भाई पूरे कराची वालों को थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है, हिला के रखा हुआ है। उसके पास जाएंगे इंशाल्लाह। पहले आपको लेके चलते हैं डोसा पॉइंट पे, पहले आपको डोसा पॉइंट की लोकेशन समझा दूँ, पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे हरमैन शरफैन पे, उनकी जाके हांडी और जो जो उनके पास मिल रहा है वो सारा कुछ ट्राई करेंगे। टिकटॉक यार मैं कुछ नहीं चलाता, मैं सिर्फ ये कैमरा चलाता हूँ बस, यूट्यूब बाकी सब अल्लाह चलाता है। सही है, टिकटॉक पे भी अकाउंट है मेरा वैसे। ये जो है ना, ये शरफाबाद चुरंगी है, बहुत फेमस इलाका है बहादराबाद में, यहाँ पे फेमस है रेड एप्पल। और ये जो कार्टन आपको नज़र आ रहा है, ये डोसा स्टॉप के नाम से कार्ट छोटा सा बंद हो गया हुआ है, ये बंद नहीं हो गया एक्चुअली, शिफ्ट हो गया हुआ है यहाँ पे। ये है डोसा स्टॉप, पाव भाजी के नाम से इनके पास पाव भाजी भी है, इनके पास इडली भी है, वड़ा पाव भी है। सीन जो है ना थोड़ा सा उल्टा हो गया है, उल्टा ये सीन हो गया, मुनीब भाई अपनी वीडियो बना रहे तो उन्होंने पहले जाकर ऑर्डर लगवा लिया, ठीक है। अभी जो है ना ये लग के आ चुका है, ये आपको देखो, ये देखो, ये पूरा जो है ना ये हमारे पास डोसा जो है ये बन के आ चुका हुआ है। मैं आपको थाली में उठा के दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। इसमें दो तरह की चटनियां हैं, मैं खाली सांभर है, साथ में सांभर है ना, कोकोनट है। हाँ देखा, मैं देख के बता रहा हूँ आपको, हालांकि मैंने कभी जिंदगी में खाई नहीं है। ये कोकोनट चटनी है, ये सांभर की चटनी सांभर है। अच्छा आप ये अपना ट्राई करें, मैं वो ट्राई करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये अलग अलग है? नहीं एक ही है ना, उसके दो हिस्से किए हुए हैं। इसको खाने का जो मेरा असूल है ना, पहले सिंपल खाना चाहिए ताकि उसका टेस्ट पता लगे, ताकि पता लगे, उसके बाद जो है फिर उसको ऑप्टिमम बाइट बनाते हैं। चले लो जी, ये मसाला डोसा, वाह डिफरेंट यार। ये ऊपर क्या, ये चावल क्या बनाता है ना, ये चावल का आटा होता है बेसिकली यार, ये है ना आलू की टिक्की है अंदर, मसाला डोसा से कह रहे हैं, आलू की टिक्की है, हल्की सी, हल्के स्पाइसेस के साथ, बिल्कुल लो स्पाइसेस के साथ है। इसको चटनी में ट्राई करते हैं, चटनी लो जी, ये चटनियाँ हैं कि चटनियाँ ट्राई करते हैं, ये सांभर ले, मैं सांभर से ट्राई कर रहा हूँ इसको। यार मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ, ठहरो, ठीक है। जो मुझे समझ में आ रहा है ना वो फ्लेवर ये है इसका कि इसमें जो सांभर है ना वो दाल की इन्होंने चटनी बनाई हुई है, बिल्कुल दाल का सालन नहीं बनाया हुआ, दाल के साथ इन्होंने चटनी बनाई हुई है, जिससे कड़ी होती है ना, कड़ी कड़ी की तरह का फ्लेवर है इसका सांभर है। वो जो डोसा है वो चावल की रोटी है, और उसके अंदर उन्होंने आलू की टिक्की हल्के मसालों के साथ आलू की टिक्की बनाई हुई है, ऐसे ही है। क्या भाई, मैं तो कहता हूँ फूड जर्नलिस्ट ऐसे है कि भाई आप तो अंदर से उसने निकाल दिया भाई। ये कोकोनट वाली चटनी ट्राई करते हैं साथ में, ये कोकोनट वाली आ गई यहाँ पे। यार ये बड़ा डिफरेंट टच था, है ना, कोकोनट का टच बहुत डिफरेंट था। मैंने पहली दफा कोकोनट वाली चटनी खाई है, लेकिन यार ये फूड बड़ा कमाल का है, लाइट फूड है, प्योर इंडियन वेजिटेरियन फूड, जो फूड है ना, जो वेज फूड जिसे कहते हैं इंडियन, ये वो है यार, बहुत कमाल चीज़ है यार, डिफरेंट है थोड़ा। ऑर्डर पहले लग गया था, अब जाकर थोड़ी सी गपशप करते हैं। आप खाना खाएं, मैं गपशप करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आपकी, क्या नाम है आपका? मुमताज। मुमताज भाई, मुमताज भाई, ये सेटअप कितना पुराना है आपका? सर ये इसको तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल हो गए, स्टार्ट आपने वो कार्ड से किया था? जी जी, कार्ड से स्टार्ट किया था, उसके बाद वो कार्ड बंद हुए तो दुकान ले लिया। अच्छा कार्ड क्यों बंद हो गया? वो डीएमसी वालों के चक्कर और रोड पे रश हो रहा है, उस वजह से हटा दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होता है? हमारे पास डोसा में चिकन चीज डोसा है, पिज्जा डोसा है, मसाला आलू डोसा है, मिक्स भाजी है, बीफ कीमा का होता है, न्यूट्रेला डोसा है, और उसके अलावा पाव भाजी है, पाव कीमा होता है, बड़ा पाव है, इडली है। सारा मेन्यू आपने याद किया? जी जी। अच्छा थोड़ा हंस के दिखा दो, नाराजगी नाराजगी तो नहीं? नहीं नहीं कोई नाराजगी नहीं, आप हंस नहीं रहे। अच्छा कितने का है ये डोसा जो सिंपल प्लेन है आपको, मसाला डोसा कितने का? मसाला डोसा जो है 450 का है हमारे पास। अच्छा एक बंदा खा लेता है, पेट भर जाता है एक बंदे का? बिल्कुल। कितने फुट का होता है ये? वो तकरीबन 14 से 15 इंच का होता है। 14 से 15 इंच का होता है? जी जी। ठीक है ठीक है। तो उसके अलावा जो वड़ा पाव है और पाव भाजी है वो क्या सीन है?
पाव भाजी में तीन बन होंगे, वो बटर में फ्राई होते हैं, उसके बाद जो भाजी होती है वो मिक्स सब्जी की होती है और वो भी बटर फ्राई होती है, वो अच्छा, ये रेसिपी मैंने सुना दुबई से आई है। जी जी, इंडियन डिश है और दुबई में होता है और हमने पाकिस्तान में कहाँ पे ले आया। चलिए, अभी आप कितने बजे ओपन करते हैं ये? शाम को 6 बजे से 5 बजे ओपन हो जाता है और रात को दो तीन बजे तक रहते हैं। ठीक, और फिर रात को जाके अगले दिन की तैयारी शुरू कर देते हैं। जी जी, सही हो। चले, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इनके पास पाव भाजी का सेटअप है। ये माशाल्लाह, क्या क्या डलता है पाव भाजी में? गोभी, गाजर, शिमला, टमाटर, वेजिटेबल है सर, मिक्स सब्जी है। ये वेजिटेबल कौन सी सब्जी है? वेजिटेबल सर, गोभी, गाजर, शिमला, टमाटर। ठीक है, मिक्स सब्जी होती है ना सर, एक साथ सारी मिक्स करके, यानी तो सीजनल होती है, सिर्फ वही डलेगी ना। जैसे कि वो गोभी है, गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है, ये बेसिक, ये बेसिक है इसका। इसके अलावा जो सीजनल होती है वो इसमें ऐड करते रहते, वो ऐड करते रहते हैं वो फ्लेवर के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, गाजर जो है वो सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होती, तो आप क्या करते हैं? फिर हटा देते हैं आप उसमें से। ठीक हो गया। ये मक्खन रखा हुआ, बटर है ये? ये बटर है हमारा। ये अगर आप चाहें तो आपको बनके भी दिखाई जा सकती है। ये इस तरीके से बटर डलता है और उसके बाद हम लोग ये भाजी होती है इसको इधर फ्राई करते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से बटर में पूरी फ्राई होती है। इसकी तो बड़ी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये पाव होते हैं, ये स्पेशली हम ऑर्डर पे बनवाते हैं अपने। अच्छा, ये आपको हर जगह ये पाव मिलेंगे नहीं। इसका एक ये स्पेशल सॉस वाला मसाला होता है, ये इसमें इस तरह लगाया जाता है, ऊपर भी नीचे भी। उसके बाद इनको भी अलग से इसी तरह बटर डालकर इसको भी बटर में पूरा फ्राई किया जाता है। माशाल्लाह। बेटा, एक प्लेट ये कितने की सर्विंग बनती है? ये 400 की 1% सर्विंग। ये तीन बन के साथ, और तीन बन के साथ सैलेड होती है इधर, अगर आप देखें तो। सही है। प्याज और नींबू होती है और इसके साथ ये इसकी स्पेशल चटनी होती है, ग्रीन चटनी। अच्छा, ये हरी चटनी आ गई साथ में। सही हो गया। उसके बाद इसमें ऊपर से भी एक्स्ट्रा में बटर डाला। अच्छा, आखिर में इस तरह। ठीक हो गया यार। यहाँ पे ना हम खाने आए थे डोसा, लेकिन यहाँ पे मिल रही चीज़ें मुख्तलिफ, तो वो जिस तरह से उन्होंने बनाया मुझसे रहा नहीं गया। ये यार पाव भाजी है, मैं आपको ज़रा दूसरे तरीके से दिखा दूँ, अच्छे तरीके से दिखा दूँ आपको ज़रा। लो जी, हम पाव भाजी ट्राई करते हैं। मुनीर भाई लें जी। भाई भाई, आप भी, आप भी लें, आप भी लें, ले लें भाई। हम तो सबसे पहले मैं बनवा के लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। भाई देखिए, स्पेशल नहीं, मैं अपने प्यारे प्यारे हाथे से, अपने प्यारे वाले भाई है ना। हाँ जी, ये देखिए, ये ऐसे, ये इसके साथ ये लगाया, थोड़ी सी हमने प्याज ली, ये चटनी ली। ओह यार, ये तो आपने ऑप्टिमम बाइट बना दिया ना भाई। ये देखिए, और अपने प्यारे भाई, मेरे पास ये देखिए। ओए 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 जी भाई, साकिब भाई, मोहब्बत भरा लुकमा, लीमू वाला, लीमू वाला, ये भाई आपसे सीखा है। ओए भाई, से हम बहुत तेज हो गए लीमू, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आने दे आने दे जी भाई। कैसा लगा आपको कराची स्ट्रीट में? आज आप कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खा रहे हैं यार। ये बहुत डिफरेंट है, है ना, मतलब बटर में बना हुआ है सब्जियाँ। चेक करूँ? हाँ, चेक करें आप यार, बहुत मज़ेदार चीज़ें यार, क्योंकि इसमें बटर हर चीज़ में है और बार बार बटर है, मतलब एक दफ़ा बटर नहीं है, पहले बटर है, उसमें उसकी फ्राई करते हैं उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, तो वो जो है ना, ये बटर में पहले उन्होंने फ्राई किया इसको, ऊपर भी बटर डाल दिया, फिर जो पाव है इनके उसमें भी उन्होंने इसको भी बटर में फ्राई किया। अच्छा, आपस की बात है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा डोसा। डोसा और चीज़ थी ना, है ना, ये बिल्कुल थोड़ा वेजिटेबल टाइप, वो भी वेजिटेबल है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, लेकिन दोनों चीज़ें माशाल्लाह दोनों मज़ा आ रहा है। अभी यार ये जो ना स्नैक्स बहुत सारे हो गए, इससे हमने पेट नहीं भरना, अभी हमने अपनी असल जगह बचा के रखनी है, बटर चीज़ हांडी, बटर चीज़ हांडी। अच्छा यार, ये जो डोसा स्टॉप है ना, इसके बिल्कुल नीचे ना यहाँ छोटा सा एक सेटअप है ग्रिल गाइस के नाम से, ये भी इन्होंने भी कोई सेटअप लगाया है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है? क्या नाम है जी आपका? फारूक। फारूक भाई, फारूक भाई, ये कितना पुराना सेटअप आपका? ये हम लोग अभी ओपन किए हुए 2 वीक्स ही हुए सर अभी। और आप यहाँ क्या बेच रहे हैं, क्या खिलाना चाहिए? ये बेसिकली मैक्सिकन हम लोगों ने खोला हुआ, मैक्सिकन स्टाइल है, रैप्स हैं, कसीडियाज हैं, बर्गर्स हैं, सैंडविचेस वगैरह हैं, बस ये तो रैप्स। और अभी हम लोग स्टार्टिंग है, बाकी एंड में इंशाल्लाह। वैसे आप क्या कर रहे थे इससे पहले? मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, जैसे BBA करा मैंने। अच्छा, बिल्कुल अभी मेरी डिग्री कम्प्लीट हुई है, तो आपने बजाय जॉब करने के आपने प्रेफर किया कारोबार किया? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो आप मुझसे गले मिलो इस बात पे कि आपने अच्छा किया है कि आपने जॉब नहीं किया, आपने कारोबार वाला काम किया। दूसरी बात ये बताओ कि आपके पास ये जो रेसिपीज है, आपने ये कहाँ से लिए? ये मैंने खुद ही अपने मतलब शौक वगैरह भी था इसका, तो हम लोगों ने मैं ट्राई करके हम मैंने इसको इस तरह लॉन्च करा है।
सही है, ठीक है। तो अल्लाह आपके काम में बरकत है यार। मैं ज़रूर ट्राई करता, मैं फुल हो चुका हूँ, मैंने आगे जाना, मैंने खाने के लिए जगह बचा के रखी हुई है। आप टाइमिंग वगैरह बता दें। टाइमिंग मेरी 7 PM से लेकर रात 3 AM तक है। इनके साथ ही है जी, इन्हीं के साथ सेम टाइमिंग है, मिलजुल के चल रहे हैं। मिलजुल के चलने में बरकत है बिल्कुल। एक बंदे के रिजल्ट के साथ ना लोगों के, काफी लोगों के रिजल्ट जुड़ जाते हैं बिल्कुल। इस तरह मिलजुल के चले, ठीक है। अच्छा यार, ये जो है ना, हम एक जिंजर सोडा भी ट्राई कर रहे हैं, इसे द सोडा शॉर्ट्स के नाम से है। ये भी इस शॉप के बिल्कुल आगे बैठा हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, अच्छा सही। ये लीमू डालेंगे इसके अंदर, ओके। और जी ये नमक आएगा, मसाला आएगा। ये जिंजर शॉट है, ये फ्लेवर है जिंजर का। ओए इसमें तो मीठा भी बहुत ज़्यादा है भाई, वो नज़र आएगा कितना मीठा, शीरा शीरा बना हुआ। तो ये क्या है? जिंजर पाउडर। अच्छा ये असल चीज़ है ना यार, मारोगे नहीं जोर से, खा कर आवाज़ नहीं यार, कर दो दिया फिर भी बेहतरीन माशाल्लाह। कितने का ये? 150। चलो लो जी, ये जिंजर सोडा 150। हाँ जिंजर पाउडर ओरिजिनल था इसलिए मज़ा आ रहा है यार। वेरी गुड यार, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है भाई अदरक। बहुत आला यार माशाल्लाह, बहुत कमाल का बनाया, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है ये, अच्छा किया इसने। जी साकिब भाई, मैं बीच में आ गया हूँ आपके। मैंने जिंजर सोडा बनवा लिया। वाह भाई वाह, जबरदस्त। नहीं नहीं बिस्मिल्लाह भाई। नहीं नहीं बिस्मिल्लाह, ये क्या सीन था। अदरक मजा, कैसे पी लेते हैं कैसे पी लेते इतना हैं आप? मजेदार आपको क्या वैसे में अंदाजा करे कि जो अभी खाया है और आप चाहते हैं कि पेट पूरा आपका खाली हो जाए और हरमैन शरफेन में भी प्रॉपर हम चीज खाएं। यार हम चलते हैं बस उधर ना, बस चलते हैं बस बस बस। अभी जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादराबाद के अंदर, बहादराबाद चुरंगी मेरी इस साइड पे जो है, बहादराबाद चुरंगी है। यहाँ पे एक बहुत फेमस पॉइंट है, यहाँ पे इनका है हरमैन शरीफैन के नाम से। इनकी ना बटर चीज़ कढ़ाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पर। उसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मंदी पुलाव टाइप चीज़ें हैं और कुछ दज्जाज टाइप इनके पास चीज़ें हैं। सारा सीन क्या चल रहा है यहाँ पे चेक करते हैं। इसकी पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूँ, फिर इनके पास चलते हैं। अच्छा ये जो रोड आ रहा है ना यार, तारिक रोड वाली साइड से, तारिक रोड वाली साइड से जब आप आएंगे ना, ये आगे आगे जाती है, ये है बहादराबाद चुरंगी आगे। इससे पहले थोड़ा सा आपके राइट साइड में ये है शैतानों का अड्डा, और इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे जो है हम अंदर जाएंगे गली के अंदर, ये सामने गली के अंदर, वो सामने जो है ना ये हरमैन शरीफ है, इनके पास चलते हैं। ये जनाब ये जो है ना इनका सेटअप है, ये मखा शरीफ का फैमिली हॉल है, और आगे सामने जो है ना इनका किचन है, उनके पास चलेंगे। ये भी सुनने में आया कि ये जो जिस गली के अंदर मैं भी आया यहाँ पे, ये पूरी जो गली है यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अगर आप यहाँ पे गाड़ी लेके घुस गए हैं बस, फिर आप कभी कब निकलेंगे कुछ पता नहीं है, मतलब सेंचुरीज लेटर आप बाहर निकल रहे होंगे। तो ये सीन इनका, अभी इस टाइम रश नहीं है इनके पास, तो ये अच्छा है कि इसी टाइम हम इनका खाना भी चेक कर लेते हैं और इसका किचन वगैरह भी चेक कर लेते हैं कैसे बनाते हैं सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अब्दुल वहाब। अच्छा अब्दुल वहाब भाई, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं अल्लाह का मौसम तो बेहतर हो गया आज नहीं, कराची का मौसम बेहतर। आज बेहतर है वैसे भी, बेहतर था नहीं, तकरीबन हफ्ता हो गया, हफ्ता हो गया लाहौर में तो गर्मी चल रही है आजकल तो। अच्छा मुझे बताएं आपको क्या, आपकी एक तो चीज़ कबाब क्या है वो, कढ़ाई बटर चीज़ हांडी हमारी, बटर चीज़ हांडी है, चिकन बटर चीज़ हांडी। अच्छा उसमें क्या स्पेशल क्या है उसमें? सर वो पूरी स्पेशल है, खुद ही स्पेशल है, जितनी तारीफ करें कब। अच्छा ये तो खा के पता चलेगा अच्छा होता है। और ये उसके अलावा क्या क्या होता है आपके पास? इसके अलावा सर जी हांडिया तो और भी हमारे पास कढ़ाइयाँ होती है, चाइनीज़ फास्ट फूड वगैरह होता है, मंदी होती है हमारे पास, बारबेक्यू होता है, बहुत सारा है, बाकी पाकिस्तानी दाल सब्जी वगैरह भी मिलेगा। सही है, ठीक है। तो इसके अलावा मेन पॉपुलर यही चीज़ है कि इसके अलावा भी कुछ पॉपुलर है यहाँ पे? हमारी हांडिया पॉपुलर है, यानी जैसे हमारी दज्जाजुल हरमैन के नाम से एक मंदी है हमारी, मंदी है, मंदी। अच्छा तो वो भी पॉपुलर है, वो भी पॉपुलर है, सही है, ठीक है। तो वो भी ट्राई कर लेंगे। उसकी क्या प्राइस है? उसके तकरीबन प्राइस है 1800 रुपये। और ये जो आपकी बटर चीज़ हांडी है इसकी क्या प्राइस है? ये हाफ के जी आपको 1550 ही पड़ेगी। हाफ के जी कितने बंदे लोग खा लेते हैं? 4% 3% खा लेते हैं। अच्छा जो चिकन, इसमें चिकन जो आप सोर्स करते हैं, चिकन आप अपना बनवाते हैं या चिकन स्पेशल अपने वेंडर रखा हुआ है या बाजार से ले लेते हैं? नहीं 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 हमारा अपना चिकन होता है, अपना चिकन होता है, खुद लेके खुद हमारी अपनी रेसिपी है। नहीं रेसिपी तो आपकी अपनी है, जो मुर्गी है वो? मुर्गी तो सर मुर्गी कच्ची बाहर से मंगाते हैं, बाकी पकाते हैं। अच्छा सही हो गया, ठीक है। तो कितने बजे आपका रेस्टोरेंट खुलता है? सर जी ये तो तकरीबन 24 घंटे समझ लें, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी होता है और लंच डिनर। ब्रेकफास्ट में क्या होता है आपको? ब्रेकफास्ट में बाकी बटर चीज़ हांडी भी ब्रेकफास्ट में चलती है जी। एक कैसी हांडी है जो यहाँ कराची में सुबह नाश्ते में भी चल रही है, दोपहर में भी चल रही है, रात में भी चल रही है। अच्छा यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे, नाश्ते में चीज़ पराठा चल रहा होता है, यहाँ पे रात में चीज़ वाली हांडी चल रही है। तो इनको चेक करते हैं क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना इनका बारबेक्यू चल रहा है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से।
ओए माशाल्लाह भाई, सलाद चेक करो, सलाद सलाद सारा। ये जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये क्या चल रहा है? ये चिकन मलाई मलाई बोटी। और तो जनाब ये जो है मलाई बोटी चल रही है यहाँ पर माशाल्लाह से। ये टिक्का है, चिकन बोटी है? हाँ ठीक है, सिंपल चिकन टिक्का है ना। ये बड़ी इंग्लिश वाली मीठी लगी हुई है। अच्छा ये मंदी में जाता है जो पीस, दजाजुल हरमैन में जो पीस आता है वो ये वाला सही। और बाकी सब तंदूर है जो। ठीक है, तंदूर में आपको नान मिलेंगे, अफगानी नान है, गार्लिक नान है, रोगनी नान है, इसमें भी चीज नान है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, इधर बनाते हैं? लो जी इनको भी चेक करते हैं कहाँ बना रहे हैं। रेस्टोरेंट की वाइब्स अच्छी हैं, मतलब कि ओवरऑल ऐसे स्ट्रीट फूड वाली वाइब्स हैं यहाँ पे, लेकिन फैमिली हॉल भी है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। इनको चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अच्छा यहाँ बनाते हैं, ठीक है ठीक है। ये रखा हुआ पीछे आपने बना के, ये हाफ कुक है? ये हाफ कुक है, बस इसमें क्रीम डाल के बच्चा आगे करते हैं। बस ठीक है ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, इसमें देर ना करें नेक काम में। ये तो मुर्गी को इंतज़ार करा रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, ये इसमें मसाले, ये सारे आपके अपने बनाए हुए मसाले? अच्छा ये अब इसमें चीज़ आएगा? ओए ये सारा मोज़रेला चीज़ है? यार ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ऐसे, इस तरह मतलब इस तरह चीज़ जो पिज़्ज़े के ऊपर जाती है लेकिन चीज़ को डालने के बाद इस तरह पकाया जा रहा है, ये बड़ा डिफरेंट चीज़ है भाई। यार ये क्या चीज़ है भाई, ओ माशाल्लाह। ओह ये बस रेडी हो गया जी? ओ भाई हेलो, यार ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई माशाल्लाह। ये देख के ना मतलब ये सारे जितने भी बर्गर हैं या जितने भी देसी लोग हैं सारे ये खाएंगे। देसियों के लिए चिकन भी मौजूद है, कढ़ाई भी मौजूद है, हांडी भी बन गई, सब चीज़। हर तरह का बंदा ये खाता होगा ना? हर तरह का बंदा खाता। अब्दुल वहाब भाई ये क्या, ये साथ में आपने सुबह नाश्ते में रखे चने? ये नाश्ते में सर आपको हर टाइम मिलेंगे, सुबह नाश्ते में भी होते हैं, लंच में भी होते हैं। अच्छा अभी भी मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या, ये क्या मटन है? ये सर जी नमकीन रोश है, मटन नमकीन रोश। हुए अच्छा माशाल्लाह, ये ठीक है। ये भी आपने सुबह से बनाते हैं, सारा दिन चलता है ये सर जी? लंच और डिनर में आपको मिलेंगे। हाँ सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आपने बड़े छुपे हुए खजाने रखे हुए यहाँ पे। चल रही है आपकी चीज़ हांडी है ज़्यादा? नहीं सर जी ये सारे चलने वाला है, सारा कुछ चलता है, ये सब कुछ चलने वाला है। अच्छा सही है माशाल्लाह। ये नमकीन रोज के लिए लोग हाईवे पे जाते हैं। हाँ हमने कराची मेन शहर में लोग यहीं पे खाओ, इसी दूर मत जाओ, दूर जाने की जरूरत नहीं है। सही है। और क्या जी, ये दाल माश है? ये दाल माश है सर, दाल माश दोनों। अच्छा ये कौन सी है? ये फ्राई दाल माश। ये फ्राई दाल माश है। और ये वाइट है? जो वाइट है, फ्राई नहीं हुई। और पीछे कीमा है? ये कीमा है सर। सही है, मसाला भी मिल जाएगा आपको। अच्छा ये मगज़ मसाला है? मगज़ मसाला, मगज मसाला भी मिल जाएगा माशाल्लाह। और सर जी आपको आलू गोश्त मिल जाएगा, मूंग की दाल है। अच्छा सब्जी है? सही है, सब्जी भी है। ये चने की दाल है? जी चने की दाल है। इसमें आपको दाल मखनी भी मिल जाएगी। दाल मखनी में क्या करेंगे, इसी दाल को लेके आप मक्खन डाल के और चीज़ डाल मुहारा डालता है, इसमें दाल मखनी भी होती है और दाल मखनी चीज़ भी होता है इसमें, यहाँ पे भी चीज़। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इनको अलग हिसाब देना पड़ेगा चीज़ का। ठीक है माशाल्लाह, ठीक है जी। आप इतना कुछ तो मतलब सारा कुछ तो मैं खा नहीं सकता। और ये अफगानी पुलाव है? अफगानी पुलाव भी रखा हुआ है माशाल्लाह। सही है सही है। ये एक दिखने में आपको ऐसा नज़र आता है कि पता नहीं यहाँ पे शायद चिकन ही मिलता है और सारा कुछ मिलता है, ये पूरा भाई पूरा का पूरा पैकेज है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस रेस्टोरेंट में आप आ जाएँ और आप सारा दिन खाते रहें, सारी रात खाते रहें, 30 दिन आए, 30 दिन में आपको 30 डिफरेंट खाने मिलेंगे। इसमें आपको प्लेटर भी मिल जाएगा, सिर्फ चीज़ नहीं मिलेगी इसमें, इसमें चीज़ नहीं। शुक्रिया आपका, आपने काबली पुलाव में चीज़ नहीं डाली। अच्छा ये दाल मखनी बनाने लगे हैं, ये चने की दाल अभी, अब इसमें आएगा क्रीम, ये सही हो गया। ये दादर मिर्च आ गई, ये धनिया मसाला, काली मिर्च और ये नमक आ गया। और ये जनाब इसमें अब आएगा ये मक्खन। ओ खैर ओए 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 वाह माशाल्लाह, ये आप खुद बना रहे हैं? अरे माशाल्लाह, आप हैं कहाँ से? सर जी मैं पेशावर से। कहाँ से? पेशावर से। सवाबी। सवाबी अच्छा, छोटा लाहौर, वहाँ छोटा लाहौर है ना, छोटा लाहौर है, छोटा लाहौर। हाँ दाल तो गायब हो गई, ये दाल ओए 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 माशाल्लाह।
ठीक हो गया। अच्छा यार मुनीब भाई भी साथ है हमारे। मुनीब भाई ये हर चीज़ में चीज़ करे जा रहे हैं। मैं तो अभी कह रहा था इनका हिसाब अलग होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल ना होना चाहिए ना। अभी ये कह रहे हैं चीज़ नान भी चीज़ में खा लो। यार क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? आप एक काम पता है क्या करें आप, यहाँ पे ना ये चीज़ हांडी जो आपने चल रही है ना माशाल्लाह ये चल रहा है, खाना खाने के बाद किसी कस्टमर को जो है ना आप उससे पैसे पूरे ले लें, बकाया जो पैसे है ना आपने उसको तब तक नहीं देने जब तक वो साथ कोई जिम ले लें यहाँ पे साथ में उसे कि भाई थोड़ा जिम जा आधा घंटा जिम करके बाकी वैसे फिर आगे ले लें हमसे। सही है जिम इंशाल्लाह। ये आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ मैं। ये बिजनेस है उसके भी पैसे देगा वो। अच्छा साके भाई एक चीज मैंने देखी है जो मुझे अंदाजा हो रहा है इनसे, ये पता करें इनके पास चीज फैक्ट्री तो नहीं है। हाँ ये क्या चक्कर है, आप चीज लेते कहाँ से? सर कंपनी से। ऐसा तो नहीं है आपका दूध खराब हो जाता दिन में फिर दूध का आप चीज बना के इधर लगा देते? फ्रेश दूध का चीज बनाते। अब मुझे बताओ हम खाएंगे क्या आपसे? बटर चीज ठीक है और दज्जाज अल हरमैन ठीक है और इसके अलावा चाइनीज एक आइटम दे देता हूँ और बलोची टिक्का कढ़ाई। बलोची टिक्का कढ़ाई ये आपको दे ठीक है और इसके साथ आपको चीज नान हमारे प्यारे भाई आए हैं तो आखिर में हमने इनसे कंपेयर भी करना है भाई कि लाहौर में आया कोई ऐसी चीज़ यार। ये बात मैं आपको यहीं पे खत्म कर देता हूँ, ये मुद्दा इधर ही खत्म करते हैं भाई। कराची जैसा फूड लाहौर में नहीं है। नहीं नहीं भाई इस तरह की चीज कहाँ है? इस तरह की चीज अब आ जाएगी, लोग देखेंगे यार ये चीज चल रही है आ जाएगी इंशाल्लाह। और ब्रांच आ रही है भाई, आ रहे हैं आप इंशाल्लाह वहां पे मिलेंगे फिर आपसे। जी जी लाहौर में आ जाएंगे आप बस सही है इंशाल्लाह। अच्छा हमारे सामने जो है ना इनका पूरा फूड आ गया। ये है इनका बलोची स्पेशल बलोची टिक्का और यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये है इनका बटर चीज नान, हर चीज में चीज है माशाल्लाह। और यहाँ पे जो है इनके ये स्पेशल दज्जाज अल हरमैन ठीक है, स्पेशल जो चीज़ है ना वो ये है। ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास ये पता नहीं क्या है यार, जो भी है बस अच्छा है ये। इसको अब ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। इसको हमने प्लेटों में डाल के खाना है, ऐसे ना खा लें ये ऐसे। ये लो जी ये हमारे सामने आ गई है, इसको ट्राई कैसे करें आप क्या कहते हैं? यार ये कह रहे हैं ये जो है ना हमारे पास अब्दुल वहाब भाई ये कह रहे हैं इसको गार्लिक नान से ट्राई करना है क्योंकि चीज़ नान के साथ अगर आप यही खाएंगे तो फिर चीज़ हो जाएगा, तो इसको गार्लिक नान से। ये हमारे पास यहाँ से हम गार्लिक नान लेते हैं तो ऐसा, और इसके साथ जो है ना हम अंदर से निकालेंगे इसमें लेयर्स वाली ये जी ये जो हमारी बाइट है पहली बाइट। बिस्मिल्लाह यार बहुत ज़्यादा चीज़ है। मैंने मुझे फ्लेवर नहीं जाना, मैं कैसे बताऊँ आपको? अगर आपने ये खा ली ना इसके बाद आप पिज़्ज़ा खाना छोड़ दोगे, मैं सही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें भी चीज़ें मौजूद हैं, बटर है। ये देखो ऊपर मक्खन तैर रहा है इसके यार, ये देख लो ये ऊपर जो मक्खन तैर रहा है ना ये बहुत सही हाई फैट वाली चीज़ है। हाई मतलब चिकनाई बहुत ज़्यादा इसके अंदर, लेकिन है बहुत मज़ेदार चीज़। इसकी कोई ऑप्टिमम बाइट नहीं बनाएंगे, इसको एज़ इज़ रखेंगे क्योंकि एज़ इज़ बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर इसकी एक और बाइट ना ली तो मेरे साथ ज्यादती मतलब इसके साथ ज्यादती हो जाएगी। इसकी एक और बाइट लेते हैं, बड़ी सी बाइट लेते हैं, फुल हैवी करके लेते हैं। ये देखो ये खाने के बाद ना आपको कम से कम 3-4 घंटे जिम करना चाहिए, वगैरह थोड़ा 3 दिन इकट्ठे करते रहो। हमारे पास जो है ना ये है बटर अफगानी नान, वैसे बटर होता नहीं है लेकिन इन्होंने फिर भी बटर डाल दिया। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास बलोची टिक्का है, इसको भी ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर इनकी जो है वो दज्जाज अल हरमैन भी ट्राई कर लेंगे। ये जनाब ये है और साथ थोड़ी सी इसकी ग्रेवी लगाते हैं ऐसे करके। ग्रेवी आ गई कौन है किसने बनाया यार? ये बहुत तीखा है, बहुत चटपटा, बहुत ज़्यादा खटास है। अचार गोश्त का नेक्स्ट लेवल है, अचार गोश्त का नेक्स्ट वर्जन है। अगर आपने अचार गोश्त खाया है वो बेसिकली बनता है मटन के साथ, उसका मज़ा भी मटन के साथ आता है। ये सारा जो आपको मसाला नज़र आ रहा है सारा अचार गोश्त की ग्रेवी बनी गया। और मज़े की बात है इसमें इन्होंने भी इसके अंदर मिर्चें भर के डाली हुई हैं। देखो मिर्च खा के देखते हैं वही, ये साथ में थोड़ा इसका मसाला, ये मिर्च मिर्च ज़्यादा मज़ेदार है यार।
मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके ऊपर ना लीमू डालूँ पूरा से, ये जो लीमू साथ इन्होंने दिया है ना उसके बाद ऐसे निचोड़ दूँ उसको, उसको दिखाता हूँ निचोड़ के। ये देखो ऑलरेडी इतना खट्टा है, फिर बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए निचोड़ा, मैं खाऊँगा नहीं इसको। अभी चलना वापस, अगली जो चीज़ है ना वो ये है इनका बजाज हरमैन। अच्छा ये चीज़ अच्छी है इनकी, लेकिन अभी तक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना वो भाई ये इनकी चीज़ हांडी ही है, बटर चीज़ हांडी। हाथ से ही ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा जनाब हम चिकन लेते हैं। इसके लिए लवाजमात पहले आपने ख़ुद तैयार करना है, पहले सिर्फ ढक्कन खोल लेना वरना बाद में खोलने का टाइम नहीं मिलना। जनाब यहाँ चिकन लेते हैं थोड़ा सा, साथ थोड़ा सा यहाँ से चावल लेते हैं ऐसे करके। ये प्याज आ गया, ये थोड़ी सी चटनी आएगी इसकी ये वाली, और उसके बाद इसके ऊपर आएगा जनाब ये रायता। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ चार्ज हरमैन फ्रॉम हरमैन शरफैन। बिस्मिल्लाह। और यार बहुत ज़्यादा बहुत कमाल, ये वो वही चीज़ है जिसमें बहुत चटपटा फ्लेवर नहीं है। पुलाव का चावलों का अपना फ्लेवर आ रहा है और चिकन का ग्रिल हुआ उसका अपना फ्लेवर आ रहा है। बहुत कमाल चीज़ है। यहाँ पे अगर आप आते हैं ना मेरे हिसाब से, अगर आपने खाना है चावल खाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ ट्राई कर लें, अगर आप ग्रेवी में खाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ ट्राई कर लें, और सही तीखा चटपटा खाना चाह रहे हैं तो ये जो है इनका अचार, ये जो है बलोची तीखा, वैसे इसको अचारी तीखा कहना चाहिए था, इन्होंने इसका नाम बलोची तीखा रख दिया। बहुत कमाल चीज़ है। एक चीज़ रह गई, मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा ये फटेगा पूरा, उसमें चीज़ निकलेगा सारा, इसके अंदर चीज़ भरा हुआ है इन्होंने। ये देखो ये नान है और पूरा नान के अंदर इन्होंने चीज़ भरा सारा। ये मैं इसको ट्राई कर लूँगा इसके साथ, ये बहुत बहुत चीज़ी किस्म की बाइट बनने वाली है। यार सोच रहा हूँ इसको खाने के बाद मैंने कितनी देर वर्कआउट करना है, मैं पैदल लाहौर जाऊँगा इसको खा के। यार ये एंड है, ओए होए। अगर कहीं से कराची आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, और सिर्फ एक चीज़ खाने के पैसे हैं ना, ये खा के वापस चले जाओ, आपको याद रहेगा घर तक आप कुछ खा के आए थे कराची से। बहुत ज़्यादा यार। यार मुझे एक बात बताएं, एक बंदा उसके सामने आप ये रख दें, इससे हाथ रोकना नामुमकिन सी बात है, और उसका दिल भी करा हो खाने का लेकिन उसको टेंशन भी हो गया यार मैं खा के फैट बर्न कैसे करूँगा, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है आप इसका ख्याल नहीं, आपको कोई सोचते नहीं आप इतनी मज़े की चीज़ आपने बना दी माशाल्लाह। तो ऐसा ये ऐसा नहीं है कि मैं मुनीर भाई आपने भी तो खाई भी है ना ये? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं कोई ओवर तो नहीं बोल रहा ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ज्यादती करोगे यार ये, मतलब ये समझ ले मैं जब भी आया हूँ ना तो आपको पता है मैं रेगुलर बहुत जिम जाता हूँ, सुबह भागता हूँ दौड़ता हूँ, पर यकीन करें मेरे पूरे एक हफ्ता क्या पूरे 10 दिन की जो है ना जो मेरी डाइट है वो सब सब बराबर हो जाए। यहाँ पे आके ना भाई आपने जो है ना ये खा के दोबारा एक हफ्ते बाद इधर आना, एक हफ्ता आपने भागते रहना उसके बाद दोबारा इसको खाने। हमारे मुनीब भाई करते रहते हैं, मुनीब भाई वो जाते भी तो है ना, वो देखे ना वो 8 किलोमीटर वो दौड़ते हैं। आप ये खाए या ना खाए डाइटिंग सेहत के लिए जरूरी है, यानी वर्दी जरूरी है सेहत के लिए, बिल्कुल बराबर हो जाती है। यार ये बहुत 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 कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, ये दिखने में जैसी भी सिंपल लग रही है, इसका जो भी कलर है इसकी शक्ल में मत जाना भाई, ये कोई बहुत कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। बहुत अला यार भाई, कराची में आने के बाद जो है ना दिन का इख्तिताम होता है चाय के ऊपर, रात ख़त्म होती है चाय के ऊपर, दिन शुरू होता है चाय के ऊपर, और कराची में आओ चाय ना पियो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ पे चाय पीने आ गया हूँ, और चाय पीने में वहाँ पर आया हूँ जहाँ मैं पिछले 2 साल से आने की कोशिश कर रहा हूँ, कैफ़े प्याला पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ये वो जगह है जहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, यहाँ से बिज़नेसमैन पैदा होते हैं और यहीं पर आके फोत हो जाते हैं, जब उनका नहीं चलता तो फिर यहीं पर आकर बैठे थे वापस बेचारे। तो अभी हम कैफ़े प्याला पे चलते हैं, इनकी भी आपको लोकेशन समझा दूँ, फिर इनके पास चलते हैं, और इनके पास एक भाई यहाँ पे हमारे पास है कराची के मेहमान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमीन चुंदरीगर। क्या मोहम्मद? तीन, ये तीनों का नहीं मैंने पूछा, एक बंदे का बताओ। मोहम्मद अमीन चुंदरीगर मेरा ही नाम है। चुंदरीगर आई चुंदरीगर रोड है वो वाला, आई चुंदरीगर रोड। अच्छा वो आपके दादापुर लगते थे, बड़े थे आप? बड़ों में थे। अच्छा मजाक में सीरियस हो गया काम? सही है, अमीन कह लूँगा आपको चलेगा, बाकी आगे पीछे वाले माफ कर दोगे ना? बस सही है, अमीन भाई हैं भाई हमारे पास। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ना जो चाय है उसके साथ पराठा मिलता है, लेकिन पराठा दिखने में ऐसा लगता है कि भाई बहुत हैवी है नहीं खाया जाएगा, लेकिन चाय पीने का मज़ा बगैर पराठे के नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है यार, हमने अभी अभी बैठे बैठे खड़े खड़े हम सारे इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, गोल मेज़ नहीं हुई, गोल गोल सड़क कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि हम आपको लोकेशन नहीं बताएंगे, आपने लगाना है पीपल चुरंगी की लोकेशन, वहाँ पे आके किसी से भी आप पूछें या ना पूछें आपको इतना बड़ा बोर्ड नजर आएगा कैफे प्याला का, मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा बोर्ड है। ये इतने बड़े दो बोर्ड हैं, हम इसके पास जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल लिखा हुआ है, हम इधर जाएंगे। यहाँ पे ये आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस डिस्कस हो रहा है,
यहाँ पे कामयाब बिजनेसमैन फ्यूचर के बैठे हुए हैं और पास के नाकाम बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। ये भाई खड़े हुए हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं आप भाई? मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, घबराना नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमान है। जमान है, आप क्या करते हैं? रिजर्वेटरी करते हैं। आप इधर वेटर हैं? यार आप मुझे बताएं, यहाँ पे अच्छी चाय एक ही होती है या मुख्तलिफ तरह की चाय है? ये भाई हमें बता रहे हैं यहाँ पे चाय के साथ जो है एक स्पेशल पराठा मिलता है, उससे बगैर चाय का मज़ा नहीं आएगा। नहीं आएगा बाकी। ऐसे ही है, मुझे दिखाते हो कहाँ पे मिलता है? चलो ये भाई इनके पास जो है ना, आपको सेटअप इनका दिखाता हूँ कैसा चल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे इनके पास जो है ये पराठे बन रहे हैं, इधर यहाँ पे पराठे बनते हैं। सिर्फ पराठों के लिए कढ़ाई है, इतना ज्यादा ऑयल आपको नजर आ रहा है, तो पूरा पराठा तैरता है, अंदर चला जाता है, डीप फ्राई पराठा होता है। डीप फ्राई और बहुत ज्यादा ऑयली नजर आएगा बाहर, पर ये ऑयली नहीं होगा, जब आप खाएंगे ना बिल्कुल भूखा हो जाएगा। आप कहना चाह रहे हैं ये पानी है? नहीं नहीं है तो ऑयल। हाँ तो फिर बहुत ज्यादा ऑयल वाला लगेगा, पर जब आपके पास आएगा पूरा सूप सुखा के साइड में सुखा के लेकर आएंगे, ताकि खाने में थोड़ा क्रिस्पीपन आ सके चाय के साथ, और ये इनहेंस करता है टेस्ट। सही है, आपकी जो लॉजिक है ना ये वाली की ऑयल में बनता है, लेकिन ये ऑयली होता नहीं है, ये दिल की तसल्ली के लिए अच्छा है, लेकिन होता है ऑयली ही है। ये जनाब यहाँ पे जो है ये पेड़े केड़े यहाँ पे इन्होंने बना के रखे हैं पहले से, इतने सारे पेड़े हैं माशाल्लाह कि तकरीबन कुछ नहीं तो 1500 पेड़ा होगा। ये हैं वो पराठे जो इन्होंने बना के रखे हुए हैं, ये भाई नया पराठा बना रहे हैं, ये माशाल्लाह। ठीक है भाई जनाब, अच्छे वाले बैठे हुए थे, आपको काम पे लगा दिया हमने, कोई मसला तो नहीं? बस सही है मूड में भाई। वे, 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 वे। आ गया आ गया। ओ भाई बहुत ज़्यादा यार माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे जो है इनके पराठे चल रहे हैं, चाय कहाँ चल रही है? चाय इधर है, चाय यहाँ बन रही है इधर माशाल्लाह। ओहो ये जनाब चाय बन रही है। ओ भाई ओ हेलो, बहुत हैवी चाय। ये जनाब चाय बन रही है, पीछे जो है ताज़ी चाय बन रही है, यहाँ से बन के यहाँ पे प्यालों में जा रही है। अच्छा यहाँ पे चाय बन रही है और ये बाहर जो है यहाँ पे ये लच्छे वाले पराठे इनके पास बन रहे हैं। ये देखो ये भी वही लच्छे वाले पराठे हैं, ये भी यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी है, एक स्मोकिंग एरिया होता है, एक नॉन स्मोकिंग एरिया होता है। यहाँ पे एक मालशी एरिया है, एक नॉन मालशी एरिया है। यहाँ पे जो है अगर आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे आपको मालिश वाला कुछ नहीं देगा, वहाँ पे आप नहीं बैठ सकते, अगर आप बैठेंगे तो मालिश वाला आपको उठा देगा, या फिर आप उसे मालिश करवा लें या उठ के चले जाएं। ये देखो ओए ओहो, अच्छा ये मालिश कराने वाले को मज़ा कम आता, मालिश करने वाले को ज़्यादा आ रहा था, ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। भाई मैं चाय पीने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सिर्फ चाय नहीं है, यहाँ पे पराठे नहीं है, यहाँ पे कढ़ाई भी आपको मिल जाएगी। ये देखो ये भाई इधर ये कढ़ाई बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, ठीक ठाक है? आप कढ़ाई बना रहे हैं? सही है माशाल्लाह। चिकन कढ़ाई है, रेड कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई? ग्रीन कढ़ाई है। ग्रीन कढ़ाई लेकिन है चिकन की ना? सब चिकन। सही है माशाल्लाह। चलो मजाक अपनी जगह पे, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत मैसिव सेटअप है, अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे। अभी हम चाय पी रहे हैं, बहुत हो गया। अच्छा यार हमारे पास जो है ना फाइनली आज का एंड करने लगे हैं। चला ये पराठा आ गया हमारे पास, ये पराठा चेक करो, ये है वो पराठा जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि यार ये बड़ा क्रिस्पी पराठा। ओए ओए भाई बहुत गर्म है, इधर आओ। ऑयली नहीं है? हाँ हाँ लगता है, ये पानी है नीचे, देख रहे हो ये पानी है। इसके साथ में इन्होंने कागज दिया हुआ है जिससे आप थोड़ा सा सुखा सकते हैं। ये वही बात आ गई, पकौड़ों को आप तल लें और बाद में उसको अच्छी तरह निचोड़ के खा लें और आपको लगेगा कि पैट नहीं आएगा। इस कागज का नाम है ऑयल प्रूफ पेपर। ऑयल चूज पेपर। ये पराठा, अच्छा पराठा लेके फिर चाय का सिप लेना ना, डबोना है इसको, डिप करना है। ये भाई ये हम डिप कर रहे हैं, ठीक है, हाथ मेरे जल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। पराठा साइड पे है मज़ेदार, लेकिन चाय बहुत कमाल है यार। चाय ट्राई कर लेते हैं, मुनीब भाई कर लें चाय ट्राई। ओह माशाल्लाह यार चाय बहुत कमाल की है। इस चाय की सबसे मज़ेदार बात यह कि इसमें पत्ती ठोक के डाली है इन्होंने, ठोक के, और अच्छी तरह उसका रंग निकाला हुआ है। चाय को अच्छी तरह पकाने के बाद ये चाय बनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, कभी आप सियालकोट आएँ और सियालकोट में आपको चाय मैं भी लाऊँगा, ठीक है? वो चाय पाकिस्तान की नंबर वन चाय है। अच्छा मैं कह रहा हूँ,
वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन पे क्लिक कर दे ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आपसे कब से होती है मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, आपसे मुलाकात करें इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।